आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। उत्तर मध्य रेलवे आगरा रेल मंडल पर धूमधाम के साथ गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया। मंडल रेल प्रबंधक ने ध्वजारोहण किया, RPF के जवानों ने मार्च पोस्ट किया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। हर तरफ गणतंत्र दिवस समारोह की धूम रही। उत्तर मध्य रेलवे आगरा रेल मंडल में भी गणतंत्र दिवस समारोह धूमधाम के साथ मनाया गया। आगरा कैंट स्थित गोवर्धन स्टेडियम में गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित किया गया। मंडल रेल प्रबंधक आनंद स्वरूप ने ध्वजारोहण किया। मंडल रेल प्रबंधक महोदय द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा। ध्वजारोहण के पश्चात मंडल रेल प्रबंधक ने RPF की टोलियों का निरीक्षण किया। RPF की टोलियों ने मार्च पास्ट पेश किया। इसके उपरांत सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। मंडल रेल प्रबंधक का कहना था कि कोरोना संकट काल में रेलवे ने अच्छी उपलब्धि हासिल की है, रेलवे का राजस्व बढ़ा है। मंडल रेल प्रबंधक ने सभी को कर्तव्य निष्ठा के साथ काम करने की सलाह भी दी। रेलवे को कैसे मजबूत किया जाए, इस बात को मंडल रेल प्रबंधक ने सबके सामने रखा। इस वर्ष रेलवे बोर्ड द्वारा माननीय रेलवे को सिग्नल एवं दूरसंचार सुविधा प्रदान की जाने की घोषणा की गई है। हमारे रेलवे के लिए अत्यंत गर्व की बात है कि भारत सरकार की ऊर्जा मंत्रालय के ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा उत्तर मध्य रेलवे को वर्ष 2021 के लिए परिवहन कोटि में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण का द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। रेलवे के द्वारा हर वर्ष धूमधाम के साथ गणतंत्र दिवस समारोह मनाया जाता है। कोरोना गाइडलाइन के चलते इस बार तमाम नियम लागू किए गए थे, लेकिन लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं थी। पूरे उत्साह के साथ गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया। देश भर के साथ आगरा में भी 73वां गणतंत्र दिवस समारोह धूमधाम के साथ मनाया गया। उत्तर मध्य रेलवे आगरा रेल मंडल में भी भव्य समारोह आयोजित किया गया। मंडल रेल प्रबंधक द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान मार्च पास किया गया, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। मंडल रेल प्रबंधक ने उत्तर मध्य रेलवे की उपलब्धि पर साथ ही रेल हित और देश हित में काम करने का भी संकल्प लिया। हम सभी का दायित्व बन जाता है कि हम देश के हित में काम करें और जिससे ये देश मजबूत हो सके और दुनिया के सामने सीना तान कर इसी तरह से खड़ा रहे। अपने साथी अखिलेश दुबे के साथ राकेश कनौजिया, सी न्यूज़ आगरा।